हेलो नमस्कार किसान साथियों, किसान साथियों आज आपके लिए लेके आए हम हमारे चैनल में मूली की तीन टॉप उन्नत किस्मों के बारे में। उससे पहले जो किसान भाई चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो किसान साथियों आज हम बात करेंगे मूली की तीन ऐसी किस्म जो किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और जो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो किसान भाई चैनल पहली बार आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो किसान साथियों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले नंबर की जो हमारी वैरायटी है उसका नाम है पूसा चेतकी। ये किस्म गर्मी के मौसम में उगाई जाती है और जल्दी तैयार हो जाती है। इसका आकार मध्यम से लेकर सफ़ेद तक होता है और ये हमें 40 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो किसान साथियों बढ़ते हमारे दूसरी वैरायटी के बारे में जो है जापानी सफ़ेद। ये किस्म का आकार लंबी और सफ़ेद होता है और इसका स्वाद मीठा और कुरकुरा होता है और ये ठंडे के मौसम में उपयुक्त मानी गई है और लगभग ये 55 से लेकर 60 दिन में तैयार हो जाती है। हमारी लास्ट वाली जो वैरायटी है उसका नाम है पूसा हिमानी। ये सर्दियों की फसल सर्दियों में लगाई जाती है और ये इसके लिए ठंड में सबसे उपयुक्त मानी जाने वाली वैरायटी है और इस किस्म की जड़ लंबी एवं सफ़ेद और चिकनी होती है और ये हम 50 से लेकर 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों ये थी हमारी मूली की टॉप तीन किस्मों के ऊपर वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।